नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन स्लीप और अस्लीप। इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों का प्रयोग कहां पर करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, जो स्लीप होता है ये हमारा एक एक्शन वर्ड है। स्लीप हमारा एक एक्शन वर्ड है या हम कहें यह हमारा एक वर्ब है, जबकि अस्लीप जो है वो एक एडजेक्टिव है और यह हमारी किसी भी स्थिति को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसे लिखा हुआ है ही इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर ही स्लीपिंग का मतलब है वह सो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसे हमने लिखा आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। अगर हम अस्लीप के बारे में बात करें, इसे लिखा हुआ ही इज अस्लीप। अस्लीप का मतलब है कि वह सोने के स्थित में है, ना कि सो रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसे लिखा हुआ है आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। When you came, जब तुम आए तब मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। इसी से रिलेटेड अस्लीप का एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ ही वॉज अस्लीप वेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको पुकारा तो वो सोने की स्थिति में था, ना कि सो रहा था। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो स्लीप है ये हमारा एक वर्ब है, जबकि अस्लीप जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, एक विशेषता को प्रकट करता है। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज करिए हमने कहा आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। अगर यहीं पर हम ये लिख दें आई एम अस्लीप, अस्लीप का मतलब हो गया मैं सो रहा हूं नहीं, यहां पर अस्लीप का मतलब है मैं सोने की स्थिति में हूं। स्थिति का मतलब हम वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उस स्टेट में हैं, हम उस स्थिति में हैं कि हम सो नहीं रहे, लेकिन सोने जैसा नाटक भी कर सकते हैं। दोनों का सबसे बड़ा अंतर यही है, ये स्लीप एक वर्ब होगी जबकि अस्लीप एक एग्जांपल होगा। और इससे बड़ी बात अभी समझिएगा कि जब सपोज करिए पिताजी घर पे आए, पिता ने दरवाजा खटखटाया, माता जी ने दरवाजा खोला लेकिन आप नहीं उठे। पिताजी ने पूछा भैया कहाँ है, तो माता जी ने कहा भैया सो रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है आपके लिए कोई अच्छी चीज आई है तो आप उठकर बैठ जाते हैं, तब पता चलता है कि आप सो नहीं रहे थे, आप सोने की स्थिति में थे, आप क्या थे, अस्लीप थे। और अस्लीप क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो इसकी विशेषता को बताता है। अब एक अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसे हमने कहा सी वॉज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रही थी। और अस्लीप का अगर एग्जांपल देखें, अस्लीप के एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं सी वॉज अस्लीप, वह सोने की स्थिति में थी। When her father called her, यहां पर वो क्या कर रहा है, यहां पर वह जो है सोने की स्थिति में है, ना कि सो रही है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।